गैप कवर करने के लिए डिप्लोमा लगा लीजिए, डिग्री लगा लीजिए, ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी आपको गाइड करते होंगे। तो आज की वो मैं केस स्टडी दूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने ये डिप्लोमा या डिग्रीज लगाए थे तो उनका क्या हशर हुआ, या उनको एम्बेसी की तरफ से क्या गाइडलाइंस आई हैं, उनके साथ क्या हुआ, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स गैप कवर करने के लिए कहते हैं जी हम डिप्लोमा बना के लगा दें या डिग्री बना के लगा दें, तो मेरा हमेशा ही आंसर होता है नो। आप कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट नकली मत लगाइए। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि नहीं जी ये डिप्लोमा ऑनलाइन बोलेगा, ये डिग्री ऑनलाइन बोलेगी। जो लोग ये चीज़ें बेचते भी हैं वो भी आपको समझाते हैं नहीं जी ये तो ऑनलाइन है। ठीक है, पहले कुछ डिप्लोमा डिग्री बनते थे वो निकल भी जाते थे, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता आज की डेट में भी इक्का दुक्का निकल जाते होंगे। पर अब रिसेंटली कल मेरे पास जब एक स्टूडेंट आया तो उसका मैंने केस स्टडी देखा जी, कनाडा से कहता जी रिफ्यूज़ अब मैंने यूके करना है जी। तो मैंने कहा रिफ्यूज़ कैसे है? मेरी आदत है थोड़ा सा, जब भी मैं कोई केस लेता हूँ थोड़ा सा उसकी डिटेल्स जाता हूँ, और मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के केस नोट या कहीं की फ़ाइल निकलवा के भी तब दोबारा फाइल रिलॉज करता हूँ। इसीलिए जो हमारे जो रिजल्ट्स है रीफाइलिंग का भी, जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स का, उनका भी हमारा परसेंटेज काफ़ी अच्छी चलती है, और फ्रेश केसेस का तो हमारा वीज़ा सक्सेस काफ़ी अच्छा है। तो अब जो डिप्लोमा बना के लगा लेते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम आती है कि देखो जो डिप्लोमा वैलिड है वो वैलिड होता है अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लगाया है। अगर तो आपने ISO 9000 या ऐसी कुछ कंपनियों से बनाया उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी से भी बनाया अगर वो फेक है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो कल स्टूडेंट मेरे पास आया कहता जी कनाडा से बैन लगा, मैंने यहाँ से ये डिप्लोमा बना के लगवाया था, और उसका एम्बेसी की तरफ से उनको मेल आ गई कि आपका ये डिप्लोमा अगर असली है तो हमें विद इन 10 डेज आप रिपोर्ट कीजिए, आप हमारे यूनिवर्सिटी से लिखवा के भेजिए, तो नहीं तो हम आपका बैन लगा देंगे। अब देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेज, और ये कॉन्सिक्वेंसेज खाली उस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूँ पिछले 1-1.5 महीने से 6-7 केसेस ऐसे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब जो कनाडा या यूके में अगर आप स्पेशली ये नकली वाला काम कर रहे हैं तो आप भी अवेयर हो जाइए, क्योंकि अब उनके पास कुछ टूल्स या मैकेनिज्म ऐसे आ चुके हैं। अगर बात करूं तो आप सबको पता कि कनाडा में मोस्टली ये कह रहे हैं कि जो AI लग चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वीज़ा अफसर को पहले से फंडिंग मिल जाती है, शिनूक सॉफ्टवेयर की वो हेल्प ले रहे हैं, और ये बात उन्होंने कोर्ट में भी एडमिट की हाई कमीशन ने। तो इसमें ज़्यादातर यही लगता है कि वो फाइंडिंग्स पहले से दे देते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे पता चल जाता है कि बार बार मान लीजिए यही यूनिवर्सिटी जो फेक डिग्री बनाती है या डिप्लोमा बनाती हैं तो उसी की फेक डिग्री डिप्लोमा आती है, तो उसके बाद उनके पास फिल्टर्स हैं कि उस यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी केसेज हैं, एक फेक पकड़ा गया तो उसके जितने भी केसेज हैं सबको वो या तो बैन करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल भी लग गई है तो चलो फिर भी उनके पास चांसेस है कि वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसका बैन लग गया उसका तो करियर ही ख़त्म हो गया, वो दोबारा अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और एक और बात, जो एक बार आपका प्रोफाइल में अगर मान लो कोई आपका फेक डिग्री लग गई या डिप्लोमा लग गया, वो आपका प्रोफाइल से जाएगा नहीं। जब आपने PR लेनी तब भी आपको दोबारा से उसी डॉक्यूमेंट्स को वैस करवा के देना पड़ता है, और वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को भी आती है, आपने यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली लिखवाना होता तो तब आप क्या करोगे? तो और भी अगर मान लो जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा लग भी गया तो भी आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकी हुई है, आपने जाना है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं, प्लस टू होती है गैप होता है, कहते हैं कि हाँ जी बैचलर वाली डिग्री बना के लगा दें, मास्टर्स भी 1 साल की करनी पड़ेगी, तो वो कहाँ तक जायज बातें हैं? आप बताइए, क्या अगर UK एम्बेसी को पता चल जाता है, अगर उनके पास टूल आ जाता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी से आपने फेक डिग्री बनाई है, वो डिग्री अगर पकड़ी जाती तो सारे बच्चे पकड़े जाएंगे उसके बाद। और ऐसे बहुत सारे 1-2 स्कैंडल्स ऑलरेडी हो भी चुके हैं, काइल्स का स्कैंडल हो चुका है आपके सामने, कोई नकली वो बना रहे थे तो उनका भी स्कैंडल बच्चा पकड़ा गया। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, आपने जाना है थोड़ी मेहनत कर लीजिए, 2-4-6 महीने लेट चले जाइए, एक इनटेक नेक्स्ट इनटेक में चले जाइए, लेकिन कभी भी ये डिप्लोमा या डिग्री मत लगाइए। हाँ, आपका गैप है उसको कवर करने के लिए और भी रास्ते हैं, और आप जेन्युइनली भी उसको कवर कर सकते हैं, हमारे पास आप एक बार कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका गैप है। मैंने बहुत सारे गैप में वीज़ा लिए, अगर कनाडा की बात करें मैं 2013 स्टूडेंट मनदीप है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, 2014-15 बहुत सारे केसेज हैं जिनके हमने इतने गैप के बाद भी जेन्युइनली वीज़ा लिए, कोई फेक डिग्री नहीं लगाई, कोई फेक डिप्लोमा नहीं लगाया, तो आपके वीज़ा निकलेंगे। और UK में आपको पता है अगर आप पकड़े जाते हैं आपकी फ़ीस भी वापस नहीं आती, सेकेंडली आपका जो FIR वो अलग नक्कियापुरी थाने में लॉन्च करते हैं,
तो वहाँ तो वो हाई कमीशन है वो छोड़ती नहीं है यूके की आपको, और इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और आज की डेट में एम्बेसी अपडेटेड हो चुकी हैं, उनके पास टूल्स आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत काम स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ना कीजिए। आपका गैप है जेनरली बताइए, मैं आपको बताऊँगा कि गैप को कैसे कवर करना है, लेकिन बिना किसी फेक डॉक्यूमेंट के आपको जेनरली वो गाइड करके आपको वीज़ा तक भी पहुँचाया जाएगा। तो अगर आप ये भी चाहते हैं, ये जो स्कैंडल सामने आया है, आप गूगल कीजिए स्टूडेंट्स, तो आपके सामने वो आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के कुछ ग्रुप भी बने हुए हैं, तो हो सकता है वो स्टूडेंट भी उसमें होगा, क्योंकि मैं आपको नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है। तो आप ये भी जेनरली जाके देख सकते हैं, ये गूगल पे भी शायद अवेलेबल है। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑनलाइन अपना प्रोसेस बेल्स ओवरसीज से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।